यहाँ आपको खबर दे, नसीरुल्ला बाबर अस्पताल के तिबी आलात मार्केट में फरोख्त करने के इल्ज़ाम में स्टोर कीपर नुमान वाहिद को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं काशान आवान से। जी काशान, बताइए किस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें, ये नसीरुल्ला मेडिकल हॉस्पिटल है जहाँ पर तिबी आलात जो थे वो मार्केट में फरोख्त होने का मामला सामने आया था, जिस पर डीजी हेल्थ ने दो रुकनी कमेटी कायम की थी। कमेटी ने अपनी तहकीकात कर रिपोर्ट जब सबमिट की तो उस पर इल्ज़ाम साबित होने पर स्टोर कीपर नौमान खालिद को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया है और साथ ही मुलजिम को 35,74,890 रुपये 25 दिनों के अंदर अंदर जमा कराने की हिदायत भी की है। ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक मुलजिम जो था उसको तहकीकती कमेटी ने जवाब जमा कराने के लिए टाइम भी दिया था। बाबर अस्पताल के तिबी आलात मार्केट में फरोख करने पर इल्ज़ाम पर स्टोर कीपर नुमान वाहिद को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया है। काशान आवान, हमें अपडेट करते, बहुत शुक्रिया आपका।